बेलगाम शहर में, लेकिन मेरे घर से तकरीबन 17 किलोमीटर दूरी पर। ये एरिया में आस पड़ोस का दिखा रहा हूँ, कंपाउंड के अंदर किस तरह से हालत है। और यहाँ पर सर आपने फोन किया था ना? हाँ सर। क्या नाम आपका? महेश कोलकाता। और क्या है ये? पीने का पानी है सर। आता है यहाँ से रामतीर्थ नगर सप्लाई होता है, पानी सप्लाई होता है। तो आप यहाँ पर किस काम के लिए आए थे अभी? पानी का टैंक है हमारे इधर। अच्छा 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 फिर आपने ये दरवाजे खोलने के बाद उसको देखा? कहाँ देखा? अच्छा 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 चलो देखते हैं कहाँ पर। चलिए अंदर चलते। पूरा ओपन जगह होने के बावजूद भी साफ पूरा ओपन बैठा है। सामान में थोड़ा सा छुपकर बैठ सकता था, यानी सांपों के स्वभाव पर कितना कुछ डिपेंड है आप सोच सकते हैं। ये देखिए किस तरह से बैठा हुआ है। एक ही सांप है लेकिन दो लग रहे हैं, यानी पूंछ और बीच में हिस्सा जो होता है अलग अलग होता है। और ये धामन जाति का सांप है, इस तरह से आसानी के साथ ये बैठा हुआ है, आराम फरमा रहा है। और इतना नज़दीक आने के बावजूद भी ये नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है। ये आ गया हाथ में मेरे। तो यहाँ पर आसानी के साथ मिला और कितने इजीली वो ओपन में बैठा था, यानी सांपों के स्वभाव कितना कुछ डिपेंड है। दूसरी बात, आपको मैं नज़दीक से कैमरा दिखाया ताकि आप सांपों को पहचाने। आपको सांपों को देखना बहुत ज़रूरी है। मैं उसके 6 इंच दूरी पर था जब ये सांप बाद में भागा। आप तो 6 इंच नहीं, 6 फुट पर तो दे सकते हैं, वो भागेगा ही वहाँ से। ये भी मेरे पाँव में भाग के आया, मतलब इतना डरने का ज़रूरत नहीं है जितना आप डरते हैं। हम बताने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 4 साल का ये धामन जाति का रैट स्नैक है और यहाँ पर आस पड़ोस में इस तरह से जगह होने के कारण चूहों के कारण वगैरह अंदर गया होगा और आसानी के साथ मिला। आपके आस पड़ोस में ये सांप है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहरीला विषैला होता नहीं है। और इन दिनों में ये अंडे डालते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, इनके बच्चे भी निकलते हैं, उनको पहचानना ज़रूरी है। साथ ही में चूहे खाते हैं और ये जहरीले नहीं होते, इससे कोई खतरा नहीं है। मतलब जाके उसको पकड़ना ऐसा भी बिल्कुल हम नहीं कह रहे। सावधानी बरतिएगा, हर प्रकार के सांप है, धीरे धीरे सही, लेकिन आपको उनको पहचानना ज़रूरी है। कुछ लोग तो इतना डरते हैं कि सांप को देखते ही उनको नींद नहीं लगती, और एक एक लोग हमारे सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और उनको जाके पकड़ रहे हैं। ये बात भी बहुत गलत है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सांप अलग अलग जाती रहती है, उतना आप जितना सोचे हैं, इतना मन में बिठाए उतना वो खतरनाक नहीं है, तो उतना डरना चाहिए। लेकिन पकड़ने के लिए आपको अलग से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बिना जानकारी के सांप पकड़ना जानलेवा या खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर रुकते, लेकिन सांपों को बचाने का डर दूर करने का सफर जारी रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाइए। धन्यवाद।